वेलकम टू स्टडी गो विजीनत। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 के कंप्लीट करंट अफेयर, वो भी टॉपिक वाइज। जिन भी टॉपिक में हमने जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिवाइड किया है उनकी लिस्ट हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार आप चेक कर लेना। इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक के सभी करंट अफेयर के PDFs खरीदने हैं तो उनको खरीदने के लिए आप हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा और वो हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल ही दिया है। इसके अलावा जनवरी से लेकर जून तक के जो भी हमारे करंट अफेयर के टॉपिक वाइज मंथली करंट अफेयर के वीडियो हैं, अगर आपको वो देखने हैं तो उनका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम पर हमें फॉलो करना है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी गो विजीनत के नाम से, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिए डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुलाई 2021 के करंट अफेयर का वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जुलाई 2021 में क्या क्या अपॉइंटमेंट्स किए गए, तो सबसे पहला सवाल है कि जैसा कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के द्वारा नीति आयोग के CEO का कार्यकाल टेन्यूर 30 जून 2022 तक के लिए फिर से तीसरी बार क्या कर दिया गया, एक्सटेंड कर दिया गया है। तो नीति आयोग के CEO कौन है जिनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया है, तो इसका आंसर है अमिताभ कांत। इसके अलावा नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी नीति आयोग के चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको फेडरल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO के रूप में फिर से 3 सालों के लिए रीअपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है श्याम श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो के डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है N. वेणुधर रेड्डी। नेक्स्ट, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है सतीश अग्निहोत्री। नेक्स्ट, त्रिपुरा के लोका आयुक्त के रूप में 3 सालों के लिए किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है कल्याण नारायण भट्टाचार्य जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका आंसर है मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया, यानी कि नितिन गडकरी। जैसा कि जुलाई मंथ में 8 नए गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किए हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन अपॉइंट किए गए हैं नए गवर्नर। तो हरियाणा में गवर्नर बने हैं बंडारू दत्तात्रेय और कर्नाटका में बने हैं थावरचंद गहलोत, मध्य प्रदेश में बने हैं मंगूभाई छगन भाई पटेल, गोवा में बने हैं PS श्रीधरन पिल्लई, त्रिपुरा में सत्यदेव नारायण आर्या, झारखंड में रमेश बायस, मिजोरम में हरी बाबू कंभमपट्टी, हिमाचल प्रदेश में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो ये सब 8 नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं। इनको याद करने का एक ट्रिक का वीडियो हमने बनाया हुआ है, जो कि आपको आई बटन पर मिल जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब कर्नाटका के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका आंसर है बसवराज S. बोम्मई। नेक्स्ट, जैसा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो अब उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो इसका आंसर है पुष्कर सिंह धामी। और ये सिर्फ 45 वर्ष की आयु में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं और इस वजह से ये उत्तराखंड के यंगेस्ट मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने हैं, तो इसका आंसर है SS साधु। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन बन गए हैं, तो इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट, भारत के न्यू टूरिज्म मिनिस्टर नए पर्यटक मंत्री कौन बने हैं, तो इसका आंसर है जी किशन रेड्डी। तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट को रिशफल किया है, तो काफ़ी सारे नए अपॉइंटमेंट किए गए हैं, तो एक बार आप उसको अच्छे से देख लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा पीयूष गोयल जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं, इनको अपॉइंट किया गया है राज्यसभा के लीडर के रूप में।
और राज्यसभा के डिप्यूटी लीडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है यूनियन मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटी अफेयर, मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट के रूप में किसको दोबारा से इलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर है सुधांशु मित्तल। नेक्स्ट, NCB यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसके हेड का एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? तो इसका आंसर है SN प्रधान ने, जो कि NDRF डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI इसको शॉर्ट में कहते हैं, इसके चेयरमैन का एडिशनल चार्ज किसको दिया गया है? तो इसका आंसर है अरमाने गिरिधर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्रेटरी हैं, इनको NHAI के चेयरमैन का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि NHAI के जो प्रेजेंट चेयरमैन थे सुखवीर सिंह सांधु, इनको उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट कर दिया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी के मेंबर के रूप में 2021 से लेकर 2025 तक किसको अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है रश्मि रंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है अबी अहमद ने, और ये सेकंड टाइम इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इनको 2019 का पीस में नोबल प्राइज मिला था, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इसका आंसर है शेर बहादुर देउबा। नेक्स्ट, अल्जीरिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है आयमन बेन बदर रहमान। नेक्स्ट, हैती के PM के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर है एरियल हेनरी। लेबनान के PM कौन बने हैं? तो इसका आंसर है नजीब मिकाती। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसको दोबारा से इलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर है स्टेफन लॉफवेन। नेक्स्ट, IBM के प्रेसिडेंट ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जिम व्हाइटहर्स्ट। नेक्स्ट, किस इंडियन अमेरिकन सिटीजन को US डिपार्टमेंट ऑफ लेबर में सॉलिसिटर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो इसका आंसर है सीमा नंदा। तो ये सारे अपॉइंटमेंट जुलाई 2021 में किए गए थे। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 में किन फेमस लोगों का निधन हुआ। तो सबसे पहला सवाल है कि जैसा कि लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार, जिनका नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, ऑफिशियली इनको हम दिलीप कुमार के नाम से जानते थे, इनका जैसे कि जुलाई 2021 में निधन हो गया, तो इनको कब पद्म भूषण, कब पद्म विभूषण और कब दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया था? तो इनको पद्म भूषण मिला था 1991 में और पद्म विभूषण मिला था इन्हें 2015 में, और दादा साहेब फाल्के अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि केशव चंद्र दत्त का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये हॉकी से संबंधित थे, और 1948 में एंड 1952 में ओलंपिक में जब हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था तो उस हॉकी टीम का ये हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममनून हुसैन का जैसे कि हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किस देश के प्रेसिडेंट रह चुके हैं? तो ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान के ये 2013 से लेकर 2018 के बीच प्रेसिडेंट थे, 12वें नंबर के ये प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। तो ये सारे फेमस लोग थे जिनका जुलाई 2021 में निधन हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 में कौन कौन से अवार्ड, प्राइज, पुरस्कार वगैरह दिए गए। तो सबसे पहला सवाल है, 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा, जो कि एक प्रमुख उड़िया पोएट हैं, इनको दिया गया 2020 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोरंटो इंटरनेशनल विमेन फिल्म फेस्टिवल 2021 के तहत किस डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट बायोग्राफिकल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डिकोडिंग शंकर, और इस डॉक्यूमेंट्री को डायरेक्ट किया था कोची की दीप्ति पिल्लई सिवान ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओसीओ ग्लोबल के द्वारा किसको वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एयरलाइन को एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है कोरियन एयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स में किसको हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है कौशिक बासु को, जो कि इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहरेन केरलिया समाजम यानी कि BKS लिटरेरी अवार्ड 2021 किसको दिया गया? तो इसका आंसर है जर्नलिस्ट ओम चेरी एन एन पिल्लई, इनको ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो गेम्स के तहत ओलंपिक लॉरेल किसने रिसीव किया? तो इसका आंसर है मोहम्मद यूनुस, जो कि बांग्लादेशी नोबेल पीस प्राइज विनर हैं, इनको मिला टोक्यो गेम्स में ओलंपिक लॉरेल। नेक्स्ट, किन दो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को उनके कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए UNDP इक्वेटर प्राइज 2021 दिया गया? तो इसका आंसर है अधिमलाई पजेंगुदीनार प्रोड्यूसर को लिमिटेड एंड इसके अलावा स्नेहा कुंज ट्रस्ट, इन दोनों इंडियन ऑर्गेनाइजेशन को मिला है UNDP इक्वेटर प्राइज 2021। नेक्स्ट, 74वें कैंस फिल्म फेस्टिवल के तहत किसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, इस डॉक्यूमेंट्री को ये अवार्ड दिया गया और ये डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है किसने? डायरेक्टर पायल कपाड़िया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको मरणोपरांत मोहन बगान रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है शिवाजी बनर्जी, जो कि मोहन बगान और इंडियन नेशनल टीम के गोलकीपर के रूप में खेलने वाले इंडियन फुटबॉलर थे, इनको मिला मोहन बगान रत्न, वो भी मरणोपरांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AIFF विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021 किसको दिया गया? तो ये दिया गया इंडियन फुटबॉलर एन बाला देवी को। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन कैटेगरी में, तो AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-2021 ये दिया गया संदेश जिंघन को, जो कि एक सीनियर इंडियन फुटबॉलर है। और यहाँ पर AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट ऑनर के तहत किसको डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर है वर्ल्ड नंबर वन पैरा शटलर प्रमोद भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 के लिए किसको दिया गया? तो ये दिया गया लेजेंडरी सिंगर आशा भोसले को। इनके गाने तो आप लोगों ने सुने ही होंगे, आप नहीं तो आपके मम्मी पापा तो सुन रहे होंगे। तो ये सारे अवार्ड्स आपके जुलाई 2021 में दिए गए। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 में कौन कौन से रिपोर्ट्स रैंकिंग वगैरह जारी किए गए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हूपर HQ, जो कि यूनाइटेड किंगडम की एक सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनी है। इन्होंने 2019 के लिए इंस्टाग्राम रिस्ट जारी की है। तो इस लिस्ट में टॉप पर कौन रहा? तो इस लिस्ट में टॉप पर रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि पुर्तगीज फुटबॉलर हैं, और ये अपनी हर पोस्ट पर $1.6 मिलियन डॉलर चार्ज करते हैं। इंडिया से इस लिस्ट में विराट कोहली टॉप पर रहे। और अगर हम रैंक की बात करें, विराट कोहली की इस लिस्ट में क्या रैंक रही? तो इनकी रैंक रही 19 और ये चार्ज करते हैं पर पोस्ट पर $6,08,000। और प्रियंका चोपड़ा इस लिस्ट में 27वें रैंक पर रही और ये पर पोस्ट पर चार्ज करती हैं $4,03,000। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो US ने अभी हाल ही में चाइल्ड सोल्जर प्रिवेंशन एक्ट लिस्ट में दो कंट्री को ऐड किया है। तो किन दो कंट्री को ऐड किया है US ने इस लिस्ट में? तो इसका आंसर है पाकिस्तान एंड टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q3 रैंकिंग जारी की गई है, यानी कि इस साल की ये तीसरी रैंकिंग है। तो इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक रही 90 और ओवरऑल अगर हम बात करें टॉप पर कौन सी कंट्री रही, तो टॉप पर रहा आपका जापान, दूसरे नंबर पर सिंगापुर एंड थर्ड नंबर पर रहा जर्मनी।
तो ये सारे इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स रैंकिंग थे जो कि जुलाई 2021 में जारी किए गए। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 में कौन कौन सी बुक्स जारी की गई, रिलीज़ की गई, पब्लिश की गई। तो सबसे पहली बुक है द इंडिया स्टोरी। ये बुक हमारी इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में बताती है और ये हमारी इंडिया की फ्यूचर पॉलिटिकल इकोनॉमिक कैसी होगी इस चीज़ के बारे में लेसन भी देती है। तो ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर बिमल जलान ने। नेक्स्ट बुक है द प्रेगनेंसी बाइबल। ये बुक लिखी है एक्ट्रेस करीना कपूर ने। नेक्स्ट बुक है द स्ट्रेंजर इन द मिरर। ये बुक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये बुक फिल्म मेकर राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ऑटोबायोग्राफी है और इसको इन्होंने रीता रामामूर्ति गुप्ता के साथ मिलकर लिखा है। नेक्स्ट बुक है द फोर्थ लायन, एसेज फॉर गोपाल कृष्णा गांधी। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है वेणु माधव गोविंदू एंड श्रीनाथ राघवन ने। नेक्स्ट बुक है नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिनेशन। नथुराम गोडसे को तो आप लोग जानते ही होंगे जिसने गांधी जी का असैसिनेशन किया था, तो इनकी बायोग्राफी है ये और इसको लिखा है मुंबई बेस्ड जर्नलिस्ट धावल कुलकर्णी ने। नेक्स्ट है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है कविता राव ने। ये बुक रुखमाबाई रॉथ जो कि एक इंडियन फिजिशियन थी, इनकी स्टोरी है। नेक्स्ट है द आर्ट ऑफ कॉन्जोरिंग अल्टरनेट रियलिटीज हाउ इन्फॉर्मेशन वारफेयर शेप्स योर वर्ल्ड। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकटा नारायणन, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। नेक्स्ट बुक है द स्ट्रगल विद इन अ मेमोआ ऑफ द एमरजेंसी। ये बुक किसने लिखी है? यहाँ से आप एमरजेंसी के नाम से पहली चीज़ ये तो आप समझ ही जाएंगे कि ये जो बुक है ये उस एमरजेंसी पीरियड के बारे में बताती है जो कि 1975 से 1977 के बीच में लगा था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट जब थी उस टाइम पर। तो ये बुक जो है ये लिखी है अशोक चक्रवर्ती ने और इस बुक में 1975 से लेकर 1977 के बीच जो एमरजेंसी लगी थी उस दौरान किस तरह 150,000 से भी ज़्यादा लोगों को बिना ट्रायल के कारावास में डाल दिया गया था, इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में लिखा है। नेक्स्ट बुक है द ग्रेट बिग लायन। ये बुक किसने लिखी है? ये बुक लिखी है क्रिसिस नाइट ने और ये बुक बच्चों के लिए है, जैसे छोटे बच्चों के लिए बुक्स वगैरह नहीं आती वैसी बुक है ये। नेक्स्ट बुक है उर्दू पोएट्स एंड राइटर्स जेम्स ऑफ डेक्कन। ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक लिखी है सीनियर जर्नलिस्ट जे एस इफ्तेकर ने। नेक्स्ट बुक है पल्लेकू पट्टाभिषेकम। इस बुक को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू ने रिलीज़ किया है और ये बुक लिखी है फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यालम्मन चिली शिवाजी, इन्होंने इस बुक को लिखा है और ये बुक रूरल इंडिया एंड एग्रीकल्चर पर आधारित है। नेक्स्ट बुक है बैंक विद द सॉल इक्विटास। ये बुक लिखी है डॉक्टर सी के गरियाली ने और इस बुक को रिलीज़ किया है फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर दुवुरी सुब्बाराव ने। नेक्स्ट बुक है द रामायणा ऑफ श्री गुरु गोविंद जी। ये बुक लिखी थी किसने? लेट मिसेस बलजीत कौर तुलसी जी ने और इसकी एक कॉपी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को दी गई है तो इसलिए ये बुक इम्पॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ अ इंडियन जनरेशन। ये बुक लिखी है अशोक लवासा ने। अशोक लवासा जो कि इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे ये, 2020 में इन्होंने रिज़ाइन किया था और इसलिए इनकी बुक इम्पॉर्टेंट है ये। और इस बुक में इन्होंने अपने फादर उदय सिंह के बारे में लिखा है और इनके क्या एक्सपीरियंस रहे, इन सब चीज़ों के बारे में इस बुक में इन्होंने लिखा है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अशोक लवासा हैं ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो ये सारी बुक आपकी जुलाई 2021 में पब्लिश की गई, रिलीज़ की गई, लिखी गई। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 में कौन कौन से नए इनिशिएटिव स्कीम्स वगैरह डिफरेंट स्टेट और मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किए गए और कौन कौन सी नई नई चीज़ें डिफरेंट स्टेट में की गई, बनाई गई वगैरह वगैरह।
यहाँ पर जून का मतलब जून नहीं है, इसे जुलाई समझ के चलना, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर के कंस्ट्रक्शन की नींव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहाँ पर रखी, तो इसका आंसर है लखनऊ यूपी में। तो लखनऊ यूपी में बनाया जाएगा अंबेडकर मेमोरियल एंड कल्चरल सेंटर। लखनऊ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जुलाई का महीना चल रहा है और आम का मौसम है ये, तो जो लखनऊ है वो दशहरी आम के लिए जाना जाता है। इसके अलावा लखनऊ चिकन कारी कढ़ाई के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो लखनऊ है आपका ये गोमती नदी के किनारे स्थित है और ये उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को बेटर हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हेल्थ एटीएम इंस्टॉल करने के लिए एस्टैब्लिश करने के लिए प्लानिंग की है, तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत जो राज्य के लोग हैं वो अपने फीडबैक गवर्नमेंट के प्रति उनका क्या फीडबैक है वो दे सकेंगे और जो गवर्नमेंट है वो उनको इन्फॉर्म कर सकेगी गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स वगैरह चलाई जा रही हैं इनके बारे में। तो माय गवर्नमेंट माय सरकार पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहाँ पर सेटअप किए जाने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, तो इसका आंसर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो जो आपका उत्तर प्रदेश है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल लखनऊ है और जुडिशियल कैपिटल इलाहाबाद है, प्रयागराज जिसे कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, 80 और राज्यसभा की सीटें 31 हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस क्रेन और राजकीय वृक्ष है अशोक। और उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है उसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के ही फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा स्थित है। और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो आपको पता ही होंगे जो कि योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर हैं आनंदी बेन पटेल। इन सब चीज़ों के अलावा उत्तर प्रदेश का एक डांस है जो कि बहुत एग्जाम से पूछा जाता है, जो कि एक कथक। और इसके अलावा भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा उत्तर प्रदेश में ही ओपन किया गया। इसके अलावा पीलीभीत एंड अमरगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है। जानवरों का पहला डीएनए बैंक उत्तर प्रदेश बरेली में खोला गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला ग्रीन एटीएम कहां पर सेटअप किया गया है, तो इसका आंसर है गुरुग्राम हरियाणा में। और इसको इसलिए सेटअप किया गया है जिससे कि ये इंश्योर किया जा सके कि भाई जो सही बेनिफिशियरी है, जो राइट बेनिफिशियरी है, उसको राइट क्वांटिटी में न्यूनतम परेशानी के साथ सही मात्रा ग्रीन की मिले, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए गुरुग्राम हरियाणा में सेटअप किया गया इंडिया का पहला ग्रीन एटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य रूरल एरिया में स्मॉल इंडस्ट्रीज को इनकरेज और प्रमोट करने के लिए वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम इंट्रोड्यूस करेगा, तो इसका आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा राज्य को किस शहर में कल्चरल सेंटर सेटअप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है, सैद्धांतिक रूप से अप्रूवल मिल गया है, तो इसका आंसर है कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ पर हमने जैसे कि हरियाणा की बात की, तो हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो हरियाणा है उसकी कैपिटल है चंडीगढ़, और बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा के अभी नए गवर्नर बने हैं। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं। और इंडिया का पहला वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा में इस्टेब्लिश किया गया है। और हरियाणा का जो पानीपत है वो बुनकरों के शहर के नाम से प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हरियाणा के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो इसका आंसर है देहरादून उत्तराखंड में। बेसिकली अगर हम बात करें क्रिप्टो गेमिंग गार्डन की, तो यहाँ पर क्रिप्टो गेम्स का मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो प्लांट किंगडम है, पादप जगत जो है, उसको हम दो
सब किंगडम्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है क्रिप्टोगैम्स और एक होता है फेनरोगैम्स। जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं वो सीडलेस प्लांट्स होते हैं, बट जो फेनरोगैम्स होते हैं वो सीड वाले प्लांट होते हैं। तो जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं उनको हम फ्लावरलेस या फिर सीडलेस प्लांट भी कहते हैं, लोअर प्लांट्स भी हम इनको कहते हैं। और क्रिप्टोगैम्स के एग्जांपल्स हैं जैसे कि एल्गी यानी कि शैवाल, ब्रायोफाइट्स, लाइकेन्स, फर्न्स, फंजाई, ये सब क्रिप्टोगैम्स के एग्जांपल्स हैं। तो जो क्रिप्टोगैमिक पार्क है, इंडिया का पहला क्रिप्टोगैमिक पार्क, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है देहरादून, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत 36 एग्जीक्यूटिव कमेटी में किस राज्य की 6 रिवर के रिजुविनेशन के लिए न्यू प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की 6 रिवर जैसे कि भेला, ढेला, किछा, नंढोर, पिलंखा एंड कोसी, ये 6 रिवर जो उत्तराखंड में है इनके रिजुविनेशन के लिए न्यू प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिया गया है। किसके तहत? 36 एग्जीक्यूटिव कमेटी जो कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के लिए की गई थी। तो जैसे कि यहाँ पर हमने उत्तराखंड के बारे में डिस्कस किया, तो आपको उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। तीरथ सिंह रावत ने जैसे कि अभी रिज़ाइन दिया है, तो पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो बन गए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। इसके अलावा हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया जो कि है टिहरी डैम, ये भागीरथी पर कहाँ पर है? उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, ये कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में ही है, नैनीताल में। और ये इस पार्क से राम गंगा निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में ही बनाया गया है। पहला गार्डन कहाँ पर बनाया गया है ट्यूलिप गार्डन? ये बनाया गया है श्रीनगर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको उत्तराखंड के बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेटरेक्स यानी कि नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जो कि एशिया का लॉन्गेस्ट और दुनिया का 5वां हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है इंदौर में और इसकी लंबाई है 11.3 किलोमीटर। और जैसे कि आपको पता ही है इंदौर जो कि इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी है और ये मध्य प्रदेश का एक शहर है। और इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहिए कि ये भारत का एक लौता शहर बन गया है जो कि इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के तहत सिलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, यानी कि ये जो आयुष है इसको राज्य में प्रमोट करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट के साथ इसको लिंक करने के लिए किस राज्य ने देवरन्या स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को के हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को सिलेक्ट किया गया है? तो इसका आंसर है ओरछा और ग्वालियर। इन दोनों को यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में सिलेक्ट किया है। ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू किया गया था और इसमें साउथ एशिया से 6 शहर शामिल थे जिसमें इंडिया से वाराणसी और अजमेर भी शामिल थे। अब साउथ एशिया से टोटल 8 शहर इसमें शामिल हो गए हैं, 7वां जैसे कि ग्वालियर हो गया और 8वां हो गया आपका ओरछा। तो जैसे कि हमने मध्य प्रदेश के बारे में डिस्कस किया, तो मध्य प्रदेश के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मगुभाई छगनभाई पटेल और शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित है और खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल शासकों के द्वारा बनाए गए थे वो भी मध्य प्रदेश में है। और निवाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश का 52nd डिस्ट्रिक्ट बना था। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रेश्वरा टेम्पल जिसको रमप्पा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, इसको जैसा कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंडिया के 39वें वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में इंक्लूड कर लिया गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपका तेलंगाना के मुलुगु डिस्ट्रिक्ट में। और इसका जो फाउंडेशन है ये सैंडबॉक्स टेक्निक से बनाया गया था और
इस टेंपल का निर्माण किया गया था 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के शासनकाल के दौरान, जो काकतीय राजा गणपति देव थे उनके सेनापति रेचुरेला रुद्र ने इस मंदिर का निर्माण किया था। इसके अलावा नेक्स्ट है धोलावीरा, जो कि एक हड़प्पन शहर है और ये गुजरात में है और ये इंडिया का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया है, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। और साथ ही इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये पहला इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया है। इसकी डिस्कवरी 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट जगतपति जोशी के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा आपको धोलावीरा के बारे में और ये जो मंदिर मैंने आपको भी बताया रुद्रेश्वरा टेम्पल, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि जब भी कोई साइट यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड की जाती है तो उससे डीपली घुमा फिरा के पता नहीं क्या क्या पूछ लेते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि टोटल अब 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई हैं ओवरऑल, जिसमें आपका 32 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और 1 मिक्स्ड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी दरबार मूव, जो कि एक 149 साल पुराना ट्रेडिशन था, परंपरा था, इसको एबॉलिश कर दिया है? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली इस ट्रेडिशन, इस परंपरा के तहत क्या होता था, बाय एनुअल प्रैक्टिस की जाती थी, जिसके तहत जो गवर्नमेंट है वो 6 महीने के लिए श्रीनगर में और 6 महीने के लिए जम्मू में फंक्शन करती थी। इस तरीके से मतलब ये एक परंपरा थी जिसका नाम था दरबार मूव परंपरा, और ये 149 साल पुरानी परंपरा अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी ने समाप्त कर दी है। यहाँ पर जैसे कि बात हो रही है जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में इंडिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है, जो कि है वूलर झील, और ये बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में है। और इसके अलावा डल लेक जो है वो श्रीनगर में है, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा डाचीगम नेशनल पार्क श्रीनगर में है और कश्मीरी स्टैग के लिए फेमस है। सालीमनी नेशनल पार्क आपका श्रीनगर में है। गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। मस्क डियर के लिए वो फेमस है। जम्मू कश्मीर के गुस्सी मशरूम है जिनको GI टैग मिला हुआ है। इसके अलावा मनोज सिन्हा जो हैं वो जम्मू एंड कश्मीर के सेकेंड लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। पहले कौन बने थे, गिरीश चंद मुर्मू बने थे, जो कि अब कैग बन गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सहायक आपका सहायक मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है हरियाणा ने, हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर ने इसको लॉन्च किया है, जिसके तहत कोई भी कहीं भी किसी भी समय क्या कर सकता है, डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू सिटीजन सर्विस एक एक्सेस पॉइंट के थ्रू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने CM दलित एम्पावरमेंट प्रोग्राम, पहले इसका नाम ये था बट अब इसका नाम कर दिया गया दलिता बंधु स्कीम, तो दलिता बंधु स्कीम जो है किस राज्य ने दलिता बंधु स्कीम के तहत एलिजिबल दलित बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए घोषणा की है? तो इसका आंसर है तेलंगाना गवर्नमेंट। तेलंगाना के गवर्नर है तिमलीसाई सौंदराजन और तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य रामगढ़ टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, इन तीनों को कनेक्ट करने के लिए टाइगर कॉरिडोर डेवलप करेगा? तो इसका आंसर है राजस्थान। और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और गवर्नर हैं राजस्थान के कलराज मिश्र। और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो राजस्थान है आपका, ये सबसे बड़ा राज्य है और सबसे पहले पंचायती राज राजस्थान में ही शुरू किया गया था। भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है सांभर, वो कहाँ पर है, राजस्थान में है। और राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर है, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा का कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है क्वालिटी ड्रिंकिंग टैप वाटर प्रोवाइड करने वाला? तो इसका आंसर है पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 1995 स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए, इस एरिया को रिड्यूस करने के लिए लगभग
450 स्क्वायर किलोमीटर इस एरिया को करने के लिए किस राज्य ने प्रपोजल रखा है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघालय का 12वां जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर है मेरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन रेलवे के मैप में किस राज्य को इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर है मणिपुर। जैसा कि एक पैसेंजर ट्रेन जिसका नाम है राजधानी एक्सप्रेस, ये असम से मणिपुर तक चलाई गई, और इस तरह से जो मणिपुर है वो अब इंडियन रेलवे के मैप में इंक्लूड कर दिया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए, जो कि हैं एन बीरेन सिंह, और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्रिएट करेगा किस चीज़ के लिए, जिससे कि फेथ, कल्चर, ट्रेडिशन ऑफ ट्राइब्स, इंडिजिनस कम्युनिटीज़, इन सबको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जा सके। तो जो अलग से डिपार्टमेंट बनाए जाने के लिए घोषणा की है, ये किस स्टेट ने की है? तो इसका आंसर है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन गया है जो कि कैटल को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक काओ वगैरह हो गए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए लेजिस्लेशन का प्रपोजल किया है? तो इसका आंसर है असम। तो असम ने कानून बनाने का प्रपोजल रखा है किस चीज़ के लिए, जिससे कि जो कैटल वगैरह हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, और इस चीज़ के लिए इन्होंने असम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 इंट्रोड्यूस किया है। असम के अलावा ऐसा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और कर्नाटका में भी किया जा चुका है। और यहाँ पर आपको असम के गवर्नर पता होने चाहिए, जो कि जगदीश मुखी, और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्व शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम 2021 का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है कर्नाटका के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने। और इस योजना का उद्देश्य यह है कि जैसे कि बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन में पहुंचने में बहुत असुविधा होती है, टाइम वगैरह लगता है, तो उसको कम करना इस योजना का उद्देश्य है। और यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखनी है कि कर्नाटका के CM अब बदल गए हैं। अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं बसवराज बोम्मई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम ने कहाँ पर अपना पहला ऑनररी कौंसल जनरल ऑफ वियतनाम इंडिया के लिए अपॉइंट किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक का बेंगलुरु में। किसको अपॉइंट किया है? इंडस्ट्रियलिस्ट NS श्रीनिवास मूर्ति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को सभी गवर्नमेंट सर्विसेज में 1% रिजर्वेशन, 1% आरक्षण दिया है? तो इसका आंसर है कर्नाटका। और कर्नाटका की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और इसके अलावा इंफोसिस, विप्रो, इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य की यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने वाले ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स को एज रिलैक्सेशन दिया है? तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य खुद का ऑन ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म 1 नवंबर से लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है केरला। और बेसिकली OTT प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, लाइक जैसे कि डिज्नी हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, अमेजोन प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स वगैरह, तो इस तरह से ही जो केरला है वो अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म 1 नवंबर से लॉन्च करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरु कोवाचम नाम का कैंपियन जिसके तहत राज्य की प्रेग्नेंट महिलाओं को COVID-19 वैक्सीन्स लगाई जाएंगी, ये कैंपियन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला के पहले बुक विलेज का टाइटल किस विलेज को दिया गया है? तो इसका आंसर है पेरुमकुल्लम, जो कि कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्थित विलेज है, और इस विलेज को केरला के पहले बुक विलेज का टाइटल दिया गया है। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो केरला है यहाँ पर आपका सबरीमाला टेम्पल स्थित है। इसके अलावा जो केरला का तट है इसको मालाबार तट कहते हैं, केरला का फेमस डांस है मोहिनी अट्टम, और केरला में आपकी साइलेंट वैली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट केरला के आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर कहाँ पर
स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर है गुजरात गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया के पहले 5-स्टार होटल का उद्घाटन किया है जो कि एक रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया है। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपका गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजोन इंडिया ने अमेजोन इंडिया का पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सूरत गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है जो कि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग किया है? तो इसका आंसर है गुजरात हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुनियारी गांव में पहली बार बालिका पंचायत के लिए इलेक्शन आयोजित किए गए? तो इसका आंसर है गुजरात में। और ये जो बालिका पंचायत के लिए इलेक्शन आयोजित किए गए थे, ये बालिका वधु नाम से एक सीरियल आता था, उससे इंस्पायर्ड होकर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क NTPC कहाँ पर बनाएगा? तो इसका आंसर है रन ऑफ कच्छ में, जो कि गुजरात में है। और यहाँ पर गुजरात के मुख्यमंत्री आपको पता होने चाहिए, जो कि हैं विजय रूपानी, और गवर्नर हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा रिफाइनरी में इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का निर्माण कौन करेगा? तो इसका आंसर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया के पहले ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट के बारे में, तो ये सेटअप किया जाएगा किसके द्वारा? NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। और कहाँ पर? लद्दाख में। और साथ ही आपको पता होना चाहिए कि जो लद्दाख है ये पहला यूनियन टेरिटरी बन गया है इंडिया का, जहां पर 100% COVID-19 वैक्सीनेशन का फर्स्ट डोज दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फैटिक फिलेरियासिस यानी कि हाथी पांव रोग, जिसको आपने 9-10 की बुक में, NCERT की जो बुक होती है साइंस की, उसमें देखा होगा। एक अजीब सा डायग्राम बना होता है एक आदमी का, जिसका पैर बहुत ही मोटा सा रहता है, मतलब हाथी पांव रोग जिसे हम कहते हैं, जो कि एक परजीवी रोग है, पैरासाइटिक डिजीज़ है, जो कि माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक वॉर्म के द्वारा होती है। तो इस डिजीज़ को राज्य से एलिमिनेट करने के लिए किस राज्य ने 6 districts में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपियन लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। तो किन 6 districts में ये लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया एंड नांदेड़। तो इन 6 जिलों में इस कैंपियन को महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है, जिससे हाथी पांव जो रोग है उसको ख़त्म किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 लॉन्च किया है, जिससे कि जो भी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं उनका अडॉप्शन एक्सेलरेट किया जा सके कंट्री में? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। इस पॉलिसी को लॉन्च करने के पीछे महाराष्ट्र का ये उद्देश्य है कि भारत में जो भी बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उनके उत्पादन के मामले में महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन जाए, इसलिए इस पॉलिसी को महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा, ये इनिशिएटिव जिसके तहत राज्य के बच्चों को जिनको स्मार्टफोन की ज़रूरत है, जिससे कि वो फ़ोन के ज़रिए अपनी पढ़ाई को ढंग से कर पाए, फ़ोन वगैरह डोनेट किए जाएंगे, तो ये जो इनिशिएटिव है किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनी है यामी गौतम, जो कि एक एक्ट्रेस हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस, तो वो भी इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल इंडिया ने 2021 1 जनवरी को कितने वर्ष कंप्लीट कर लिए हैं? तो इसका आंसर है 6 ईयर। और ये जो आपकी स्कीम है डिजिटल इंडिया, ये 2015 में 1 जुलाई को लॉन्च की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीम स्माइल जो बेगर्स होते हैं, जो भिखारी होते हैं, उनके लिए किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। और यहाँ पर स्माइल का फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक ने।
और अब तो आपके एजुकेशन मिनिस्टर बदल चुके हैं, अब श्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो बन गए हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर। तो जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल थे, उन्होंने लॉन्च किया था निपुण भारत प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम को समग्र शिक्षा स्कीम के तहत लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर निपुण का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य सेतु नाम का मोबाइल ऐप जिसके तहत ऑनलाइन कोर्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा एक्वा फार्मर जो है कंट्री के उनको, तो ये मत्स्य सेतु नाम का मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो कि हैं गिरिराज सिंह इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो ये क्यों लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है फार्मर को उनकी लैंग्वेज में सही समय में सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि डिफेंस पेंशन के लिए लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, और यहाँ पर स्पर्श का फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर कृषि ऐप जिसके तहत फार्मर्स को एग्रीकल्चर इंसाइट्स वगैरह और वेदर अलर्ट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि वो तैयार हो सकें चीज़ों के लिए, तो इस ऐप को किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया यूनियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इन्होंने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किस चीज़ के लिए? जिससे कि असम से लाई गई बांस की विशेष प्रजाति जिसका नाम है बम्बूसा तुल्दा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा, बांस की ये जो प्रजाति हैं इनके 5,000 पौधे खाली पड़ी शुष्क ग्राम पंचायत भूमि में लगाए जा सके। तो इस चीज़ के लिए कौन सा प्रोजेक्ट KVIC ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है प्रोजेक्ट बोल्ड। और फर्स्टली इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर में जो निचला मांडवा विलेज है, ट्रिबल विलेज वहाँ पर, और यहाँ पर KVIC ने इस प्रोजेक्ट के तहत एक ही दिन में सबसे ज़्यादा बांस के पौधे रोपने का लगाने का विश्व रिकॉर्ड भी बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने LIC चेयरमैन की रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स से कितनी ज़्यादा और एक्सटेंड कर दी है? तो 60 ईयर्स से अब कर दी गई है 62 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोऑपरेटिव मूवमेंट को स्ट्रेथन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस नाम से नई मिनिस्ट्री क्रिएट की है? तो इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को किस मिनिस्ट्री का पार्ट बना दिया है? तो इसका आंसर है यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडिया की पहली फास्टैग और UPI बेस्ड पार्किंग फैसिलिटी लॉन्च की है जिससे जो टाइम है एंट्री में और पेमेंट में जो टाइम लगता है उसको कम किया जा सके? तो इसको लॉन्च किया है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के पहले प्राइवेट LNG फैसिलिटी प्लांट का नागपुर में किसने उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है नितिन गडकरी ने, जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो ये सब इनिशिएटिव्स थे, स्कीम्स थी, नई नई चीज़ें थी जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में बनाई गई, लॉन्च की गई, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट और मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 के इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बेहटन डैम जो कि दुनिया का दूसरा लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम है, ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये जिनशा रिवर पर चाइना में बनाया गया है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का पहला लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम कहाँ पर है, तो ये भी आपका चाइना में है। और उसका नाम क्या? उसका नाम है थ्री जॉर्ज डैम, और ये चाइना में यांगसी रिवर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसके द्वारा किस देश को आ मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन अवार्ड किया गया है? मलेरिया मुक्त सर्टिफिकेशन किसको, किस देश को WHO ने अवार्ड किया है? तो इसका आंसर है चाइना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा देश सितंबर में एक्टिवेट करेगा? तो इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने गगनचुंबी इमारत जो कि 500 मीटर से ज़्यादा हाइट की हो उनके निर्माण के ऊपर बैन लगाया है? तो इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का फास्टेस्ट मैगलेव ट्रेन जिसकी स्पीड है 600 किलोमीटर पर आर, इस ट्रेन का प्रोडक्शन किस देश ने शुरू किया है? तो इसका आंसर है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल में अपनी एम्बेसी ओपन करने वाली पहली गल्फ नेशन कौन बन गई है? तो इसका आंसर है द यूनाइटेड अरब अमीरात, UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म का उद्घाटन किस देश ने किया? तो इसका आंसर है सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी दुनिया के पहले फिजिकली डिसेबल एस्ट्रोनॉट को हायर करेगी और लॉन्च करेगी? तो इसका आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ऐसा करके यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये मैसेज देना चाहती है कि स्पेस सभी के लिए है, चाहे कोई फिजिकली डिसेबल पर्सन भी क्यों ना हो, सभी के लिए इक्वालिटी है वहाँ पर भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए COVID-19 वैक्सीन के लिए $8 बिलियन की एडिशनल फंडिंग करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैटी के प्रेसिडेंट जो हैं उनका हाल ही में एसेसिनेशन किया गया है, उनके घर पर उनकी हत्या कर दी गई है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जोवेनल मोइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगुलर शेप का सैंड कैसल मतलब रेत का महल बनाया गया है जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, दुनिया के टॉलेस्ट रेत के महल के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है और इसकी हाइट है 69.4 फिट। तो ये जो सैंड कासल, ट्राइंगुलर शेप सैंड कासल बनाया गया है, ये किस देश में बनाया गया? तो ये बनाया गया है डेनमार्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है जो कि भारत के नेतृत्व में बनाया गया था 30 नवंबर 2015 में, तो इसमें जैसे कि 121 कंट्रीज हैं, तो इसका अभी लेटेस्टली ऑफिशियल सिग्नेट्री कौन बना है? तो इसका आंसर है ग्रीस। और इस अलायंस का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इस चीज़ के ऊपर काम किया जाए जिससे कि जो सोलर एनर्जी है लोग उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर हों एज़ कम्पेयर टू जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो ख़त्म हो जाए, इसीलिए इस अलायंस को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव जिसका उद्घाटन और जिसको एड्रेस पीएम नरेंद्र मोदी ने किया, इसमें 142 देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे, तो ये जो कॉन्क्लेव है ये वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई थी, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई थी? तो ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। इस कॉन्क्लेव के तहत ये चीज़ शेयर की गई कि जो कोविन है, कोविन के तहत दुनिया की लार्जेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव जैसे कि चलाई जा रही है, एग्जीक्यूट की जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, तो उसके रिगार्डिंग क्या एक्सपीरियंस हैं इंडिया के, क्या लर्निंग है, इस चीज़ को इस प्लेटफॉर्म के तहत शेयर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग आयोजित की गई है वर्चुअली, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता की इटली ने और इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2021 में G20 एनवायरमेंट मिनिस्टर्स की जो मीटिंग आयोजित की जाएगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता भी इटली ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी जी के स्टैचू का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है जॉर्जिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के हेड ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हेनरिटा फोर, और इन्होंने इसलिए रिज़ाइन दिया है क्योंकि इनके हस्बैंड वगैरह किसी पर्सनल हेल्थ इशू से सफ़र कर रहे हैं, तो वो अपना टाइम अपने हस्बैंड के साथ बिताना चाहती हैं, तो इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा कंट्री भारत का पहला नेबर कंट्री बन गया है जो कि इंडिया का भीम यूपीआई अडॉप्ट किया है? तो इसका आंसर है भूटान। अगर हम ओवरऑल चेक करें तो ओवरऑल सिंगापुर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है भूटान। बट अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो भूटान पहला नेबर कंट्री बन गया है भीम यूपीआई इंडिया का अडॉप्ट करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया के हाइड्रो पावर मेजर सतलज जल विद्युत निगम ने किस देश के साथ एस्टर्न नेपाल में 679 मेगावाट लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए $1.3 बिलियन की डील की है? तो इसका आंसर है नेपाल, नेपाल के साथ ये डील की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश न्यू कॉट ग्रुप में इंक्लूड किए गए हैं? तो इसका आंसर है US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। तो ये चार देश नए क्वाड ग्रुप बने हैं जो कि रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा किन नए देशों को ICC के नए मेंबर के रूप में इंक्लूड किया गया है? तो इसका आंसर है मंगोलिया, तजिकिस्तान, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने किस देश से 2 MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स रिसीव किए हैं? तो इसका आंसर है US। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट जो कि अभी आयोजित की गई थी, तो इसमें जैसे कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि हैं एम वेंकैया नायडू, इन्होंने एज अ चीफ गेस्ट इस समिट में पार्टिसिपेट किया और इसका उद्घाटन और इसको एड्रेस भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने ही किया। तो ये कहाँ पर आयोजित की गई थी, ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एंड साउथ एशिया रीजनल कनेक्टिविटी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्रेंस जो कि एक हाई लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? तो इसका आंसर है उज्बेकिस्तान। तो ये सारे आपके जुलाई मंथ के इंटरनेशनल करंट अफेयर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई के स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सिल्वर लेक ओपन चेस टूर्नामेंट जो कि सर्बिया में आयोजित किया गया था, इसको किसने जीता? तो इसको जीता हमारे इंडिया के यंग ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने। नेक्स्ट है आपका स्पार्कसन ट्रॉफी, ये जीती है हमारे इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इंडियन रेसलर को 2 सालों के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने डोपिंग टेस्ट में फेल होने की वजह से क्या कर दिया, बैन कर दिया? तो इसका आंसर है सुमित मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप जो कि 2021 में कहाँ पर आयोजित की गई, बुदापेस्ट हंगरी में, तो इस चैंपियनशिप के तहत भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भारत ने टोटल 3 गोल्ड मेडल जीते और वो किस किस ने जीते, वो जीते यंग इंडियन रेसलर प्रिया मलिक ने, इन्होंने 73 किलोग्राम कैटेगरी में, और तन्नू इन्होंने 43 किलोग्राम कैटेगरी में, और कोमल इन्होंने 46 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड जीता है इस चैम्पियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में? तो इसका आंसर है, एक तो हो गया बरमूडा और दूसरा हो गया फिलीपींस, इन दोनों ने पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो बरमूडा की अगर हम बात करें तो बरमूडा जैसे कि पहला गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में अपना, तो इस तरह से ये पूरे दुनिया का छोटा देश भी बन गया, सबसे छोटा देश बन गया गोल्ड मेडल जीतने वाला। तो अगर हम बात करें बरमूडा से किसने गोल्ड मेडल जीता, तो फ्लोरा डोफी जो हैं जो कि एक विमेन ट्रायथलोन है, इन्होंने विमेन ट्रायथलोन में जीता गोल्ड मेडल। इसके अलावा अगर हम बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की वेट लिफ्टर हैं हेडलिन दियास, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता फिलीपींस से। तो इस तरह से बर्मुडा और फिलीपींस ये दोनों पहली बार इन द हिस्ट्री ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हैंड जाजा यंगेस्ट कॉम्पिटिटर हैं टोक्यो ओलंपिक में, तो ये किस देश से हैं? तो ये सीरिया की टेबल टेनिस प्लेयर हैं और ये टोक्यो ओलंपिक में कॉम्पीट करने वाली यंगेस्ट कॉम्पिटिटर हैं जो कि सिर्फ मात्र 12 साल की हैं। इसके अलावा
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है स्केटर मोमजी निशिया। तो इन्होंने विमेन स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग इवेंट में 2020 ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और इस तरह से ये गोल्ड मेडल जीतने वाली जापान की यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक गेम्स में जिम्नास्टिक्स कंपटीशन को जज करने के लिए इंडिया से कौन सिलेक्ट हुए हैं पहली बार? तो इसका आंसर है दीपक काबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि 24 अगस्त से टोक्यो पैरालंपिक्स का शुभारंभ होगा, तो टोक्यो पैरालंपिक का जब शुभारंभ होगा तब इंडियन कंटिजेंट की तरफ से भारतीय दल की तरफ से ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बैरर कौन होंगे जो कि तिरंगा लेकर चलेंगे? तो वो होंगे मरियप्पन थंगावलू जो कि खेल रत्न अवार्डी हैं और टॉप पैरा हाई जंपर हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो जब ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की गई टोक्यो ओलंपिक 2020 की, तो तब हमारे इंडिया से फ्लैग बेयरर थे एक तो मैरी कॉम जो कि 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियन रह चुकी हैं और एक मनप्रीत सिंह जो कि मेंस हॉकी टीम के स्कीपर हैं। ये दोनों टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओपनिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बेयरर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें जब क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित की जाएगी टोक्यो ओलंपिक की, तो तब कौन होंगे फ्लैग बेयरर? तो तब बजरंग पुनिया जो कि 2018 वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडलिस्ट रह चुके हैं, ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्लोजिंग सेरेमनी में इंडियन फ्लैग बेयरर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक 2020 को क्वालिफाई करने वाली पहली फीमेल इंडियन गोल्फर कौन बन गई है? तो इसका आंसर है अदिति अशोक। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड इंडियन मेल गोल्फर कौन बन गए हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर है उदयन माने। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन मेल गोल्फर कौन बने थे, तो इसका आंसर है अनिर्बन लाहड़ी। तो ये पहले मेल गोल्फर बने थे जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करे थे। तो टोटल 3 गोल्फर हैं इंडियन जो कि टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इंडिया का पहला मेडल टोक्यो ओलंपिक 2020 में किसने जीता? तो इसका आंसर है मणिपुर की मीराबाई चानू। इन्होंने विमेंस 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में इंडिया का पहला मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में। और कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। और मणिपुर के CM बीरेन सिंह ने ये अनाउंसमेंट की है कि वो मीराबाई चानू को एज अ एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि ASP के रूप में अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने 400 मीटर हर्डल्स में 46.70 सेकंड्स का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है नॉर्वे की एथलीट कास्टन वारहोम ने। और इन्होंने अमेरिकन केविन यंग का 1992 में जो इन्होंने बार्सिलोना ओलंपिक फाइनल में 46.78 सेकंड का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उसको ब्रेक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाली क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो इसका आंसर है इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन मिथाली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसा कि BCCI ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लिए 100 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल ग्रांट को रिलीज़ किया है, तो ये जो पैसा है जैसा कि ये इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम को बनाने में यूज़ किया जाएगा, तो इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द जून मंथ किसको चुना गया है? तो इसका आंसर है इंग्लैंड की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन को। इसके अलावा अगर हम बात करें मेन कैटेगरी में तो ICC मेंस प्लेयर ऑफ द जून मंथ चुना गया है न्यूजीलैंड के ओपनर डेवोन कॉनवे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पहले क्रिकेटर बन गए हैं जो कि 14,000 T20 रन स्कोर किए हैं? तो इसका आंसर है वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर क्रिश गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने 14 ओडीआई सेंचुरी लगाई हैं? तो इसका आंसर है पाकिस्तान के कैप्टन बाबर आजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूदुल्ला रियाद, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया है, ये किस देश के क्रिकेटर हैं? ये बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 की ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? तो इसका आंसर है नीदरलैंड की रेडबुल रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टपन। और इसके अलावा अगर हम बात करें ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की, तो 2021 की ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है ब्रिटिश मर्सिडीज रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमेंस एशियन कप इंडिया में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा मुंबई एंड पूना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन चैम्पियनशिप कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 फेबररी 2022 में कहाँ पर आयोजित किए जाएंगे? तो ये आयोजित किए जाएंगे हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2021 फाइनल में मेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है सर्बिया के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने, और इन्होंने हराया इटली के मटेओ ब्रेटनी को। और अगर हम बात करें फीमेल कैटेगरी में, तो विंबलडन 2021 फाइनल का विमेन सिंगल का खिताब जीता एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने चेक की कैरोलिना लिस्कोवा को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन जूनियर मेंस टाइटल 2021 किस इंडियन अमेरिकन ने जीता? तो इसका आंसर है समीर बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका 2021 किसने जीता? तो ये जो कोपा अमेरिका 2021 है, ये एक फुटबॉल चैम्पियनशिप है, और ये जीता अर्जेंटाइना नेशनल फुटबॉल टीम ने। अगर हम बात करें यूरो कप 2020 की, तो ये जीता इटली नेशनल फुटबॉल टीम ने, और इसने हराया इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, इन्होंने किसको नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो 2020 गोल्डन बूट किसने जीते हैं? तो इसका आंसर है पुर्तगाल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने, क्योंकि ये यूरो 2020 में सबसे ज़्यादा स्कोर किए, इस वजह से ये जीते यूरो 2020 गोल्डन बूट। तो ये सारे आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर थे जुलाई 2021 के। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई के बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सलाम दिल से इनिशिएटिव किस बैंक ने लॉन्च किया है, जिससे जो भी कंट्री के डॉक्टर्स हैं उनका पेंडेमिक के दौरान जो टायरलेस उन्होंने सर्विस दिया है उस चीज के लिए उनको थैंक्स बोला जा सके। इस चीज के लिए ये इनिशिएटिव, सलाम दिल से इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है HDFC बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट को डिजिटाइज करने के लिए और कॉन्टेक्ट लेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फोन पे ने किसके साथ पार्टनरशिप किया? तो इसका आंसर है फ्लिपकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किसने लॉन्च किया? तो इसका आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। और ये जो स्कीम लॉन्च की है, इसके तहत जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर सेकेंडरी हो, उसको खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके ऊपर नए कस्टमर्स को ऐड करने से रोक लगा दी है, बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है मास्टर कार्ड। तो ये सारे आपके बैंक से रिलेटेड करंट अफेयर थे जुलाई 2021 के। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई में कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह, ऑपरेशन वगैरह डिफेंस के द्वारा आयोजित किए गए। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज सी ब्रीज, जो कि एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है और ब्लैक सी में आयोजित की गई थी। तो ये किन देशों के बीच आयोजित की गई? तो ये लॉन्च की गई थी यूक्रेन और US के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल साइपोजिज्म इसकी अध्यक्षता किसने की? इसकी अध्यक्षता की फ्रेंच नेवी ने रीयूनियन आइलैंड पर। नेक्स्ट है आपका, जैसा कि इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवाने जो है ये UK एंड इटली के 4 डे विजिट पर गए थे, तो
उस दौरान इन्होंने कहाँ पर इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो इन्होंने इटली के कैसिनो में इंडियन आर्मी मेमोरियल का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है आपका ऑपरेशन संकल्प, ये गल्फ रीजन में आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? ये इंडियन नेवी के द्वारा आयोजित किया गया, जिससे कि जो पैसेज है गल्फ रीजन में, वहाँ पर इंडियन शिप को सिक्योरिटी दी जा सके, जिससे कि वो सिक्योरली वहाँ से गुजर सके। नेक्स्ट है आपका कटलेस एक्सप्रेस 2021, ये एक्सरसाइज आपकी कंडक्ट की जा रही है 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 के बीच। कहाँ पर कंडक्ट की जा रही है? ये कंडक्ट की जा रही है केन्या में। ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इसमें इंडियन नेवी की कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट किया? इसमें पार्टिसिपेट किया INS तलवार ने, यानी कि इंडियन नेवल शिप तलवार ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है आपका इंडो रशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है इंदिरा 2021। इसका आयोजन, जैसे कि इसका 12वां एडिशन अगस्त में आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा इस बार? तो ये आयोजित किया जाएगा वोल्गोग्राद रशिया में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वर्चुअल ट्राइलेटरल टेबल टॉप एक्सरसाइज, जिसको शॉर्ट में हम TTX कहते हैं। तो ये 2021 का ये जो एडिशन था, ये जैसे कि आयोजित किया गया, तो इसमें किन देशों के ऑफिशियल्स, डिफेंस ऑफिशियल ने पार्टिसिपेट किया? तो इसका आंसर है इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। और इस एक्सरसाइज में फोकस किया गया मैरीटाइम क्राइम्स के ऊपर। तो ये सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी जुलाई 2021 की डिफेंस से रिलेटेड। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 में किन किन चीज़ों के नाम बदले गए या फिर बदले जाने का प्रस्ताव रखा गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फायरिंग रेंज, जो कि गुलमर्ग कश्मीर में है, उसका नाम इंडियन आर्मी ने बदल दिया है। क्या रख दिया है? उसका नाम बदल कर दिया गया है विद्या बालन फायरिंग रेंज। विद्या बालन जो कि बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके नाम पर इस फायरिंग रेंज का नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बेंगलुरु करवार एक्सप्रेस जो है, उसका नाम बदलकर पंचगंगा एक्सप्रेस कर दिया है। नेक्स्ट है आपका वाराणसी का मंदुआधी रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है बनारस रेलवे स्टेशन। तो ये वो सारी चीज़ें थी जिनके नाम जुलाई 2021 में बदले गए। अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल वगैरह जुलाई 2021 में मनाए गए और कौन कौन सी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किए जाने का घोषणा वगैरह की गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये नवंबर 2021 में कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है रायथू भरोसा चैतन्य यात्रा, जो कि फार्मर के बीच एग्रीकल्चर इशू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ऑर्गेनाइज की गई। तो ये किस राज्य ने ऑर्गेनाइज की? तो इसको ऑर्गेनाइज किया आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है आपका रथ यात्रा, जो कि एक बिगेस्ट हिंदू फेस्टिवल है और हर साल जून और जुलाई के बीच ऑर्गेनाइज की जाती है। लास्ट ईयर ये कैंसिल हो गई थी, बट इस साल इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर आयोजित किया गया? इसको आयोजित किया गया फेमस जगन्नाथ टेम्पल पूरी उड़ीसा में। इसके अलावा उड़ीसा में ही एक और यात्रा जो कि है बोल बम यात्रा, ये आयोजित की जा रही थी, जो कि जो शिव भगवान के भक्त होते हैं उनके द्वारा आयोजित की जानी थी। इसको कैंसिल कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है इस साल बिकॉज कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इसको दोबारा से कैंसिल कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका बोनालू हिंदू फेस्टिवल, ये किस राज्य में जुलाई में मनाया गया? तो ये मनाया गया तेलंगाना में और ये गॉडेस महाकाली को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट है आपका हरेला फेस्टिवल, ये कहाँ पर मनाया गया? ये मनाया गया उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड को भगवान शिव का पौराणिक निवास स्थान माना जाता है और इसलिए ये आपका उत्तराखंड में मनाया जाता है। जब भी मॉनसून शुरू होते हैं, मॉनसून शुरू होते ही इस फेस्टिवल को उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज सेलिब्रेट किए गए। तो सबसे पहले 1 जुलाई की अगर हम बात करें, तो 1 जुलाई को मनाया गया नेशनल डॉक्टर्स डे और इस बार इसका थीम था सेव द सेवियर्स। वेस्ट बंगाल के जो सेकेंड मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय,
जो कि एक लिजेंडरी फिजिशियन भी थे। इनकी बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही एक ही डे को इंसिडेंटली हुई। तो उनके सम्मान में हर साल 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 3 जुलाई। 3 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। बेसिकली इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के द्वारा 1923 से 1st सैटरडे ऑफ जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे, और इस बार ये मनाया गया 3 जुलाई को। नेक्स्ट है 11th जुलाई। 11th जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड मलाला डे। नेक्स्ट है आपका 17th जुलाई। 17th जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। इसका थीम था अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट है आपका 18th जुलाई। 18th जुलाई को मनाया गया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। इसके बाद 26th जुलाई को मनाया गया कारगिल विजय दिवस। जैसा कि 1999 में 26 जुलाई को पाकिस्तान को हमारी इंडियन आर्म फोर्स ने हराया था, और इस तरह से कारगिल वॉर्स के जो हीरोज थे उनकी याद में उनको सम्मान देते हुए हर साल जुलाई 26 को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, और इसका थीम था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। नेक्स्ट है 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, और इसका थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट। 29 जुलाई को मनाया गया इंटरनेशनल टाइगर डे, और इसका थीम था डियर सर्वाइवल इज इन आर हैंड्स। 30 जुलाई को मनाया गया वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स। तो ये सारे डे सेलिब्रेट किए गए जुलाई 2021 में। अब हम डिस्कस करेंगे जुलाई 2021 के मिसलिनियस करंट अफेयर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आईसीएस तुकारामी, जो कि एक स्पाइडर की नई स्पीशीज है और महाराष्ट्र में रिसेंटली डिस्कवर की गई है, तो इसका नाम किसके नाम पर रखा गया? तो इसका नाम रखा गया तुकाराम ओंबले के नाम पर, जो कि 26/11 मुंबई टेरर अटैक में शहीद हो गए थे। तो इनके नाम पर इस स्पीशीज का नाम रखा गया, जो कि न्यूली डिस्कवर की गई स्पीशीज है स्पाइडर की, और इसको डिस्कवर किया गया है कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और इसका नाम क्या है? आईसीएस तुकारामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि हैदराबाद की टेक्नोलॉजी R&D फर्म ग्रीन रोबोटिक्स ने इंडिया के पहले स्वदेशी ड्रोन डिफेंस डॉम को डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है, तो ये जो इंडिया का पहला इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डॉम इन्होंने डिज़ाइन किया है, डेवलप किया, इसका नाम क्या? इसका नाम है इंद्रजाल। जैसे कि पहली बार 12 इंडिजिनसली डेवलप 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज सिस्टम को इंडियन आर्मी में इंक्लूड किया गया है, तो ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया और किसने इसको मैन्युफैक्चर किया? तो इसको डिज़ाइन किया गया बाय DRDO, और इसको मैन्युफैक्चर किया है लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में M-TECH प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है DRDO ने और AICTE ने, इन दोनों ने साथ मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी में M-TECH प्रोग्राम को लॉन्च किया है। और यहाँ पर AICTE की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भालिया वेराइटी जो है गेहूं की, वीट की, उसका केन्या और श्रीलंका में गुजरात से एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, तो ये जो वेराइटी है गेहूं की जिसका नाम है भालिया, जैसा कि ये गुजरात की है, तो इसको कब GI टैग दिया गया था? इसको GI टैग दिया गया था 2011 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंडियन एयर फोर्स को सरफेस टू एयर आकाश मिसाइल डिलीवर करने के लिए $67 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? तो इसका आंसर है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, यानी कि BDL। इन्होंने सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, आकाश मिसाइल, इसको इंडियन एयर फोर्स को डिलीवर करने के लिए और इसके प्रोडक्शन के लिए $67 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और साथ ही जो DRDO है,
डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल यानी कि न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल का सेकेंड फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है। तो ये जो आपकी आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल जो है, ये किस तरह की मिसाइल है? ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने S-500 मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुली टेस्ट किया है? तो इसका आंसर है रशिया। नेक्स्ट, जेफ बेजोस के साथ स्पेस में जाने वाले यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है डच स्पेस ट्रैवलर ओलिवर डायमन, और ये सिर्फ 18 साल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर BIT यानी कि सुपर प्रेशर बैलून बॉर्न इमेजिंग टेलीस्कोप, इसका निर्माण कौन सी स्पेस एजेंसी कर रही है? तो इसका आंसर है नासा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ने किस कंपनी से 10 एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट P-8I प्राप्त किए हैं? तो इसका आंसर है US की एरोस्पेस कंपनी बोइंग से, और इसके संबंध में 2009 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चाइना के मोंग फ्रूट का कल्टीवेशन पहली बार इंडिया में किया जा रहा है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पावर्ड COVID-19 RNA होम टेस्ट किट, जिसका नाम है कोवी होम, किसने डेवलप की है? तो इसका आंसर है IIT हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से किसको हाल ही में एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया? तो इसका आंसर है लिवरपूल को, जो कि इंग्लैंड का एक शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहला टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है IIT कानपुर, और इन्होंने इस इनोवेशन हब को लॉन्च किया है जिससे कि एंटी ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रोजन डिटेक्शन सिस्टम, ब्लॉकचेन एंड साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्राप्त किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, K2 माउंटेन पर चढ़ाई करने वाले यंगेस्ट माउंटेनियर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है पाकिस्तानी क्लाइंबर शहरोज काशिफ, जो कि सिर्फ 19 साल के हैं। तो ये थे आपके जुलाई 2021 के टॉपिक वाइज करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जनवरी से लेकर जून तक के सभी करंट अफेयर की वीडियो चाहिए, तो वो सारी की सारी, उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार आप चेक कर लेना। और अगर आपको जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर की वीडियो के PDFs चाहिए, तो उनको आप खरीद सकते हैं। उनको खरीदने के लिए आपने हमारे ईमेल एड्रेस पर मेल करना होगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, और उनका क्या प्राइस है वो सब मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद ज़ीनत के नाम से। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सभी चीज़ों के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार आप ज़रूर चेक कर लेना। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।